सो गाइस फाइनली हमने परचेस कर ली है द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से iPad 10 जनरेशन और ये मुझे मिला है 37,999 रुपीज में, बट ICICI का क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट लेके मुझे ये मिला है 26,600 में। सो अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड होता तो ये आपको मिल सकता था 25,999 रुपीज में। अभी भी इसका जो प्राइस चल रहा है वो 30,000 के आसपास ही है, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है। तो मैंने अमेजोन से दोनों चीज़ ही परचेज किए थे, एक ये iPad और उसके साथ इसका ही बैक कवर, तो दोनों ही जो है एक ही बॉक्स के अंदर डिलीवरी हुआ था। सो यहाँ पे आ चुका है मेरा iPad एंड उसके नीचे जो है यहाँ पे आप देख सकते हो जो बैक कवर मैंने ऑर्डर किया था। सो इसका भी प्राइस बहुत ही कम था, ये मुझे मिला है 549 रुपीज़ पे। सो इसका भी लिंक और iPad का लिंक, दोनों का लिंक की जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के ऊपर कुछ गंदगी या फिर डर्ट लगा हुआ है। सो चलिए पहले इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर एक्चुअल में iPad है या नहीं, क्योंकि Amazon पे जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं मिलता है। तो जब तक इसको ओपन करके देख नहीं लेते तब तक टेंशन रहता ही। सो ये है iPad 10 जनरेशन 64GB Wi-Fi वेरियंट और इसका एक सेलुलर वेरियंट भी आता है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है इससे। सो फाइनली हमने यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो बॉक्स के अंदर iPad है और इसका जो कलर है वो है येलो। सो एक्चुअल येलो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, ये थोड़ा गोल्डन कलर जैसा दिखता है। सो फाइनली यहाँ पे हमें मिल चुका है iPad और ये बिल्कुल सही सलामत आया है। सो कोई यहाँ पे डेंट या फिर कोई डैमेज नहीं था। सो डिलीवरी अच्छा था, एक दिन के अंदर ही आया था और बिल्कुल सही डिलीवरी हुआ है। तो चलिए अब इसको ऑन करके देखते हैं एक्चुअल में ये ऑन होता है या नहीं, उसके बाद जो है इसका सीरियल नंबर हम मैच करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल प्रोडक्ट ये है या फिर ये प्री एक्टिवेटेड iPad आया है या नहीं। सो यहाँ पे ऑन करते ही Apple का लोगो एंड हेलो मैसेज देखे ये ऑन हो चुका है। जस्ट हमें यहाँ पे कुछ सेटअप कर लेना है, उसके बाद जो है Wi-Fi से इस iPad को कनेक्ट कर लेना है। Wi-Fi को कनेक्ट करने के बाद ये जो है आपका जो हार्डवेयर आइडेंटिफिकेशन है वो कंप्लीट करेगा और इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट कर देगा। तो इसके लिए आपको 2-4 मिनट वेट कर लेना है। सो एक्टिवेट हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने डेटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आएगा, जिस आपको ओके कर देना है। देन जो है आप इसको फर्दर जो सेटअप है उसको आप कंप्लीट कर पाओगे। सो इसमें आपको फेस आईडी देखने को नहीं मिलता है, जैसे आपको टच आईडी और जो पासकोड है ये आपको डालना है। इसके बाद आपके सामने ट्रांसफर एप्स एंड डेटा का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे आप अपना Apple ID डाल के और पासवर्ड डाल के आपको आपका फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर आपका जो फ़ोन है उसको iPad के सामने रखते ही स्कैन करते ही आपका जो iPhone का डेटा है वो iPad में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो यही एक ईजीएस्ट वे है जिससे आप इजीली विदाउट योर पासवर्ड और Apple ID आपका जो डेटा है वो iPad में ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जस्ट यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन करना है एग्री, देन आपका जो iPad है वो रेडी हो जाएगा यूज़ करने के लिए। सो वेलकम टू iPad, यहाँ पे मेरा iPad जो है सेटअप कंप्लीट हो चुका है। सो सबसे पहले जो है इस iPad का सीरियल को हमें चेक करना है। इसके लिए सबसे पहले जो है सेटिंग में आ जाना है और यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो आपको जस्ट फर्स्ट जो ऑप्शन है अबाउट, सो अबाउट में आपको क्लिक कर देना है। सो अबाउट में क्लिक करते ही आपके सारे डिटेल्स और नीचे जो है यहाँ पे सीरियल नंबर, जस्ट इसको आपको होल्ड करते ही कॉपी का ऑप्शन आएगा। सो कॉपी कर लेना है एंड उसके बाद कोई भी ब्राउज़र पे जाके, जैसे कि मैं यहाँ पे सफारी में आने के बाद, जस्ट यहाँ पे आपको लिखना है सीरियल नंबर चेक और फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा सो Apple का ही वेबसाइट होगा। सो वहाँ पे जाके आपको जस्ट आपका सीरियल नंबर को पेस्ट करना है और यहाँ पे जो कैप्चा है उसको एंटर करने के बाद आपके डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो शो हो जाएगा और उसके साथ इसका जो लिमिटेड वारंटी, कितना साल इसका वारंटी यानी कि एक साल जो वारंटी होता है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से जो है आप आपका फ़ोन का या फिर iPad का
सीरियल नंबर को चेक करके देख सकते हो ये प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है या नहीं। बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ मिलता है, जैसे कि यहाँ पे यूज़र मैनुअल जिसे आप पढ़ सकते हो, और उसी के साथ एप्पल का स्टिकर यहाँ पे दिया जाता है। एंड इसी के साथ बॉक्स के अंदर आपको दो चीज़ और मिलता है, जैसे कि यहाँ पे 20 वाट का फास्ट चार्जर, जिसे आप आईपैड को या फिर आपके अगर आपके पास आईफोन है तो उसको भी आप चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे मिलता है आपको एक अच्छी क्वालिटी का सी टाइप का केबल। इस iPad 10 जनरेशन में आपको मिलता है रियर के साइड में एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा एंड उसके नीचे एक माइक्रोफोन। ऊपर के साइड में आपको देखने को मिलता है एक पावर बटन जिसके ऊपर टच ID इनेबल है एंड दो स्पीकर ग्रिल। इस iPad में चारों स्पीकर ग्रिल दिया गया है, बट स्पीकर दो ही दिया गया है। और साइड में आपको यहाँ पे मैजिक कीबोर्ड के लिए या फिर फोलियो कीबोर्ड के लिए एक कनेक्टर भी दिया गया है। और नीचे के साइड में एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट जिससे आप चार्ज या फिर डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो। एंड इसका ओवरऑल वेट जो है 477 ग्राम, जिससे आप इजीली कैरी कर सकते हो। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए एक बेहतरीन डील हो सकता है। और इसमें आपको मिलता है सुपर रेटिना डिस्प्ले जिसमें आपको 500 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलता है। सो डे टाइम पे आप इससे अच्छे से काम कर सकते हो। सो यहाँ पे कुछ सैम्पल फोटो का और वीडियो का मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे फोटो और वीडियो क्वालिटी जो है वो आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। सो अगर आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले नहीं है, सो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, सो इस iPad के मदद से आप आपका ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मल्टीपल चार्ट देख सकता हूँ। सो ये इजी टू यूज़ है और इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसी के साथ इसमें आप चार्ट भी देख सकते हो, मल्टीपल चार्ट देख सकते हो और इससे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो। इसमें आपको मिलता है A14 बायोनिक चिप जो मल्टीटास्किंग हैंडल करने में बहुत ही सक्षम है। और इससे मैं स्पीड सील के मदद से यहाँ पे कुछ इस तरह से दोनों एप्लीकेशन को सिमुलेंसली यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, सो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू और यहाँ पे कोई भी एक एक्सचेंज को मैंने साइड बाई साइड रख के भी यूज़ कर पाता हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास मल्टीपल डिस्प्ले है नहीं तो इस तरह से आप आपका ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। चलिए अब इसका साउंड क्वालिटी भी आपको सुना तो यहाँ पे जो है 4K वीडियो एंड 8K वीडियो भी स्मूथली चल जाता है। और यहाँ पे आप पहले सुन चुके हो इसका साउंड क्वालिटी। सो यहाँ पे 4 स्पीकर भी देखने को मिलता है, बट इसमें आपको 2 ही स्पीकर मिलता है, बट इसका जो साउंड क्वालिटी है वो सुपर है। सो आपके घर के कहीं भी आप इसको रख के गाना सुन सकते हो या फिर वीडियो देख सकते हो। सो यहाँ पे देख सकते हो जो 4K वीडियो है ये स्मूथली यहाँ पे रन करता है, और 8K को भी आप इसमें रन कर सकते हो। सो अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन करना है या फिर जो एनिमेशन है आपको इस iPad में करना है तो इसको भी आप इस iPad के मदद से कर सकते हो इजीली। जैसे कि यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ Adobe Fresco, सो ये एक फ्री वर्जन है। सो अगर इसको आप डाउनलोड करते हो तो इस iPad के मदद से इजीली आप ग्राफिक डिज़ाइन या फिर एनिमेशन कर सकते हो। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बेस्ट डील हो सकता है, क्योंकि iPad में मैक्सिमम जो है स्टूडेंट लोग यूज़ करते हैं नोट्स के लिए, उस पिक्चर के लिए या फिर प्रोजेक्ट के लिए। तो आप इजीली इस iPad के मदद से नोट्स भी लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशंस। सो
सो यहाँ पे जो आप स्टाइलस पेन देख रहे हो ये ओनली 249 रुपीस का है। सो ये स्टाइलस पेन भी इस आईपैड में चल जाता है। सो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको भी परचेस कर सकते हो अगर आपके पास एप्पल पेंसिल नहीं है तो। और इस आईपैड में एप्पल पेंसिल 1 सपोर्ट करता है, 2 का इसमें सपोर्ट नहीं है। सो यहाँ पे आईपैड का मैं एक फीचर आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं वाईफाई में आता हूँ और यहाँ पे वाईफाई सेटिंग में आने के बाद अगर आपके पास आईफोन है तो जस्ट आपका अगर डेटा ऑन है तो इस तरह से आप डायरेक्टली आपके आईफोन का हॉटस्पॉट को ऑन करके आप इस आईपैड को कनेक्ट कर सकते हो। सो ईजीली जो है आप अपना आईफोन के मदद से इस आईपैड को चला सकते हो। सो यहाँ पे मैं जो है BGMI को टेस्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे आप ग्राफिक्स देख सकते हो, आपको स्मूथ बैलेंस HDR में फ्रेम रेट जो है एक्सट्रीम तक देखने को मिलता है। और यहाँ पे अल्ट्रा HDR को मैं यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। सो डाउनलोड करने के बाद मैं दिखाता हूँ इसका एक्चुअल फ्रेम रेट कितना देखने को मिलता है। सो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऑडियो है, ऑडियो आपको अल्ट्रा यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ऑडियो क्वालिटी बहुत ही मस्त है। सो अगर आपके पास हेडफोन नहीं है तो भी आप इस आईपैड के मदद से गेम को अच्छे से खेल पाओगे। और यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है अल्ट्रा HDR और HDR में आपको मिलता है सिर्फ अल्ट्रा तक। और यहाँ पे जो एक्सट्रीम HDR है वो अभी कमिंग सून है, ये आपको नहीं मिलेगा। तो इस अल्ट्रा HDR अल्ट्रा पे जो गेम प्ले होगा वो बहुत ही बढ़िया गेम प्ले होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वालिटी। सो इसी क्वालिटी से अगर आप गेम खेलते हो तो अगर आपको लगता है कि ये लैग करेगा तो बिल्कुल नहीं, ये लैग नहीं करेगा। सो इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको मिलता है 1 GB और इसके साथ आपको मिलता है 4 GB रैम, जिससे अच्छे से आप BGMI गेम को खेल सकते हो। इसमें आपको लैग या ड्रॉपिंगनेस देखने को नहीं मिलेगा। जस्ट एक अब देख सकते हो क्वालिटी। तो जैसा आप इस पानी को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्वालिटी कैसा है। सो अगर आप इस आईपैड से BGMI खेलते हो तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स है और इसका जो परफॉर्मेंस है ये बहुत ही लाजवाब है। तो चलिए अब कंक्लूजन पे आते हैं। सो ये आईपैड आपको लेना चाहिए या नहीं। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो, नोट्स लिखना चाहते हो या फिर स्टडी करना चाहते हो, देन अगर आप इससे ट्रेडिंग करना चाहते हो या फिर ग्राफिक डिज़ाइन या फिर एनिमेशन करना चाहते हो और अगर आप इससे गेम खेलना चाहते हो तो ये बेस्ट आईपैड हो सकता है आपके।